बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारकर खुद को समझ रहे थे खिलाड़ी, लेकिन लालू तो निकले उनसे बड़े खिलाड़ी। मोदी शाह ने लालू को अनाड़ी मानकर भूल कर दी। लालू ने अपने हिसाब से मोदी शाह नीतीश की तिगड़ी की रणनीति को धूल चटाने का बना लिया प्लान। बिहार की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी का दांव का असर दिख रहा। नीतीश सब कुछ भूल लालू के सियासी मार से बचने के लिए मोदी शाह के पास दिल्ली आए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ये दांव ऐसा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को अभी से हारा मानकर चल रहे हैं। लालू के दांव से निजात पाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रास्ता नहीं मिला। हर थककर नीतीश अब मोदी शाह से लालू के दांव से निपटने के लिए दिल्ली ज्ञान लेने के लिए आए, लेकिन माना जा रहा है यहां भी नीतीश को लालू यादव की ओर से बनाए चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। तो ऐसी कौन सी रणनीति लालू यादव ने बनाई जिससे नीतीश कुमार के साथ ही मोदी शाह भी टेंशन में आ गए? इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल 12 फरवरी को ही नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट पास करना है। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान अवध बिहारी चौधरी को वोटिंग कराने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। माना जा रहा है कि लालू यादव के इशारे पर अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने साफ किया कि बजट सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने भी ताल ठोक दी है और जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी की है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन का दावा है कि उसे 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि विपक्ष के पास महज कुल 114 विधायक हैं। अवध बिहारी चौधरी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव नोटिस मिलने के 14 दिन के भीतर निर्णय करना चाहिए। यह नोटिस मुझे 8 फरवरी को ही मिला है। नियम के मुताबिक 12 फरवरी को मैं सदन की कार्यवाही को संचालित करूंगा। अवध बिहारी चौधरी के इस्तीफा नहीं देने के पीछे लालू यादव की बड़ी रणनीति है। नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। अगर लालू यादव का निशाना सटीक बैठा तो एनडीए के कई सदस्य वोटिंग में खेल कर सकते हैं। व्हिप के उल्लंघन करने वाले विधायकों पर निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष का ही होगा। सदन में किसी भी सदस्य के भाषण में आपत्तिजनक बयान आते हैं तो स्पीकर ही उसे रखने या हटाने का फैसला लेंगे। आरजेडी को उम्मीद है कि जेडीयू के कई विधायक पाला बदल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों से कुल 52 यादव विधायक चुने गए, इनमें जेडीयू के 3 विधायक हैं। इसके अलावा आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए की सरकार संकट में पड़ जाएगी। अभी विधानसभा में एनडीए बहुमत के आंकड़े के पास है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी के फैसले के कारण नीतीश कुमार को लगातार 2 बार अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। पहले तो उन्हें खुद नई सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना होगा, दूसरा स्पीकर को हटाने के लिए भी वोटिंग करानी होगी। अगर किसी भी स्थिति में बहुमत के लिए जरूरी 122 से कम वोट पड़े तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। अभी 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रीय जनता दल के 79 विधायक हैं, सीपीआई भाकपा माले के 16, कांग्रेस के 19 के समर्थन के कारण महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं, जो बहुमत से सिर्फ 8 कम है। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। एनडीए सरकार के गिराने के लिए तेजस्वी यादव को 9 विधायक तोड़ने होंगे, जो दिखने में आसान तो नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।